आजाद देश के आजाद प्रदेश के उस आजाद नगर में प्राइम लोकेशन पर सेठ जी का खिलौने का दुकान पड़ता था। दुकान में कुछ देसी खिलौने यूं ही धूल खा के जी रहे थे। कांच की शोकेशों में अब उनके दम घुटने लगे थे। कुछ खिलौने सुतलियों से ऐसे लटकाए गए थे जैसे उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। तो किचों का चेहरा यूं पीला पड़ गया था मानो प्लास्टिकों से ढककर दम घुटा जा रहा हो। इन्हें अरसे बीत गए थे। किसी गोद में उठाए बच्चे के गोद में गए, किसी रोते बिलखते हुए बच्चे को चुप कराए, ऊपरी तख्ते में पड़े गुड्डे की किसी ने अब तक शादी नहीं करवाई थी, औंधे पड़ी गुड़िया को किसी गुड़िया ने अपनी तुतली जुबा में लोरी नहीं सुनाई थी, गल्ले से लगी अलमारी में बैठा बंदर महीनों से दोनों हाथों में झाल लिए खड़ा था, उसकी तोड़ पर किसी ने गुदगुदी करती चाह भी नहीं भरी इसलिए वहीं पड़ा था। किचन सेट छप्पन भोग बनाने को भी तैयार बैठी थी पर कोई चूल्हे पे बर्तन चढ़ाए तब तो। जोकर का मुखौटा न जाने कब से अपने नाक पर गेंद संभाले था पर कोई उसको चेहरे से लगाए तब तो। आज तो आलम यह है कि इन खिलौने के अस्तित्व नहीं सिर्फ नाम रह गए हैं, कीमत नहीं सिर्फ दाम रह गए। और इनका जुर्म अपराध क्या था? शायद ये कि वक्त के साथ कदम नहीं मिला पाए, या शायद ये कि लोगों की प्रतिष्ठा के साथ कंधा नहीं मिला पाए। सच को अगर छलनी से छाना जाए तो बात यही निकलेगी कि दोष इन खिलौनों का नहीं है। दोष अगर है तो वो है उन व्यापारियों का जिन्हें देसी पसीने से विदेशी मैल ज्यादा रास आने लगी है। दोष है तो उन पालकों का जिन्हें देसी माटी नमक से विलायती चमक ज्यादा भाने लगी है। और ये तो ठहरे बेजुबान खिलौने, करें भी तो क्या करे जी, ना शिकायत ही कर सकते थे ना बगावत ही। बस रात को जब शटर पर सात लेवर का ताला लगता और दुकान में चहुओं रंग काला फैलता, मन हल्का करने एक दूजे को अपनी आपबीती सुनाने लगते, उसमें से कुछ कमजोर दिल वाले एक आध आंसू भी बहाने लगते। रात भी दो पल बैठ कर इनकी आपबीती सुनती, फिर एक स्याह चादर ओढ़कर सोने चली जाती। पर आज एक धीमी आवाज रात के कानों पर पड़ी, जमा ही लेती आंखें रात की फुर्ती से खुल उठी। उसने देखा एक खिलौना दूसरे खिलौने के आंसू पोंछ रहा था। उसने सुना एक खिलौना दूसरे खिलौने के कान पर हाथ रखे कह रहा था कि हम अलमारी फिक्र ना कर कि आजादी का महीना है। हालांकि जो डीपी में तिरंगा लहराएंगे उनसे तो उम्मीद कम ही की जाए, पर जो आदमी खादी पहनते हैं स्वदेशी में मानते हैं शायद हमें आजाद कर जाए। थैंक यू।